नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत गुड़ला के गांव ढोसी में बैरवाओं की ढाणी में पिछले 3 दिनों से एक महिला बोरवेल में गिरी हुई है। प्रशासन उसे लगातार कड़ी मशक्कत के साथ निकालने की कोशिश कर रहा है। SDRF और NDRF जिला बचाव एवं राहत दल की रेस्क्यू टीम बचाव एवं राहत के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि पिछले 72 घंटे से रेस्क्यू टीम बचाव एवं राहत कार्य में लगी हुई है। विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सफलतापूर्वक महिला को निकाला जा सके। स्थानीय जिला प्रशासन बोरवेल में गिरी महिला को निकालने का पूरा प्रयास कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने के निर्देशन में अभियंत्री विशेषज्ञ असेसमेंट के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य जारी है। आइए देखते हैं मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले लगभग 3 घंटे से हम लोग यहीं थे और जो हमारी NDRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, मेडिकल टीम थी, जो यहाँ पे लोकल प्रशासन है, हमारे ADM साहब सभी मौके पर हैं। और अभी जो हमने जो खुदाई का काम है वो भी स्टार्ट करा दिया है। आप देख रहे होंगे साथ में कि उस छोर पे है लगभग 135 फीट का हमने दूरी से भी काम जो है वो शुरू हो जाएगा खुदाई का। और अभी NDRF और SDRF की टीम ने अपने उपकरण हटा लिए हैं मौके से और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा हो जाए। देखिए कि जो हमने रात को कलेक्टर साहब के माध्यम से मशीन जयपुर से मंगवाई थी, मशीन हमारे पास 8 बजे आके पहुंची थी, लेकिन रास्ता कच्चा होने के कारण जिसमें से कुछ समय देरी हुई है, उसके बाद इस मशीन को सेट करने में और यहां तक लाने में जो समय लगा है
वो तकनीकी रूप से जो इसका सक्षम आदमी जानकार था उसने उसको कंप्लीट किया है, उसमें जो समय लगा है उसका समय जो वाजिब था वही लगा, उसके बाद ये निरंतर जारी है और ये अब प्रारंभ लगभग 4:30 बजे से कार्य प्रारंभ हो चुका है। और क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे जो भी इस मशीन को, जो प्लायर मशीन है, उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी आवश्यक उपकरण है, वो सारा का सारा जिला प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। अंदर जब ये लगभग 100 फीट के अंदर ढल जाएगी और उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम का जो आदमी जाएगा वो भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ पे जो अंदर टॉर्च, ऑक्सीजन सिलेंडर और इनका जो भी और भी सुधाक्षण वाले वो सारे सिलेंडर अंदर जाने के लिए पूरे तैयार हैं और ये सब लोग तैयार हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब तक सफलता मिलने की उम्मीद है? हाँ, ये जो एनडीआरएफ की टीम है और जो हमारी तकनीकी टीम है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी गति है, चूंकि अभी मिट्टी थोड़ा मुरन टाइप आ गया तो उसमें चिकनाहट है, इसको खाली करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी 2-2.5 घंटे और लगेंगे इसके अंदर। एनडीआरएफ की टीम है और जो हमारी तकनीकी टीम है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी गति है, चूंकि अभी मिट्टी थोड़ा मुरन टाइप आ गया तो उसमें चिकनाहट है, इसको खाली करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सीपी हॉस्पिटल सवाई माधोपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जिसमें है सभी अंगों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। अपॉइंटमेंट के लिए आज ही कॉल करें 8239876900। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।